हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आइए जीनर डायोड क्या होता है ये देखते हैं। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो वो हमें फॉरवर्ड बायस रीजन में एक स्मॉल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हमें करंट मिलता है। ओके, सो स्मॉल रेसिस्टेंस और प्रॉपर करंट आपका फ्लो होता है फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन फॉर अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम उसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए रिवर्स की बात करें, रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग में हमें करंट नहीं मिलता है और जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम जब हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था। तो अगर हम यहाँ वी और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आपका फॉरवर्ड बायस करंट है और ये आपका रिवर्स बायस करंट है। ओके, हमने ये भी देखा था कि अगर हम एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन विथ रिड्यूस होती है, अगर हम रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लीशन विथ इंक्रीज होती है। तो हम जनरली जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको फॉरवर्ड रीजन में ही यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर हम उसको रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करने लगें या रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करें रेगुलरली, तो एक टाइम आएगा जिसके बाद वो डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स उस पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद वो ड्यू टू हीट बस्ट हो जाएगा और वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि वो डायोड डैमेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट ऑपरेट इन ब्रेक डाउन रीजन बिकॉज द एक्सेस करेंट परमानेंटली डैमेजेस द डायोड। तो वो डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिकली लैब में चेक कर सकते हैं, अगर आप एक हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के साथ क्या होगा। सो इसीलिए हम जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स हैं उनको हम फॉरवर्ड रीजन में ही वर्क कराते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जीनर डायोड की, जो कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, बट उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम उसे रिवर्स बायस रीजन में यूज करते हैं। तो अगर हम एक जीनर डायोड की बात करें और अगर उसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम उसके ब्रेक डाउन रीजन को यूज करते हैं फॉर वोल्टेज रेगुलेटर एप्लीकेशन। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे जब वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर में हम जीनर डायोड को कैसे यूज करते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है। ओके, तो अगर हम एक नॉर्मल जीनर डायोड की बात करें और उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करें, तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पे वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है। ओके, तो फॉरवर्ड रीजन में या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हम अगर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन यूज कर लें या एक जीनर डायोड यूज कर लें फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ओके, बट जो जीनर डायोड है उसमें जो डोपिंग का लेवल होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के डोपिंग के लेवल से ज़्यादा होता है। तो अगर डोपिंग का लेवल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो डिप्लीशन विथ होगी उसकी थिकनेस कम होगी। सो जीनर डायोड हैज़ वेरी थिन डिप्लीशन रीजन बिकॉज इट इज़ हैविली डोप्ड देन दी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जब हम जीनर डायोड को रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और यही एप्लीकेशन जीनर डायोड का, जो जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो यूज किया जाता है कई जगहों पे वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? तो अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझने की कोशिश करेंगे कि
इट अलाउज इलेक्ट्रिक करेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज। मीन्स किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर आपने जीनर डायोड अप्लाई किया है और किसी लोड के अक्रॉस आप करेंट ले रहे हैं या वोल्टेज ले रहे हैं, तो जीनर डायोड का क्या यूज़ है वहाँ पर? तो वो हमेशा, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तो वो हमेशा क्या करता है कि जो भी उसके इनपुट पे वैल्यू आ रही है, अगर वो उसकी जीनर डायोड के अपने वोल्टेज से ज़्यादा होती है, तो वो सारा का सारा करंट अपने थ्रू पास कर देता है ताकि लोड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो यही लाइन यहाँ लिखी है कि इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज। सो ये मैंने आपको बताया कि हम हमेशा इसको रिवर्स डायरेक्शन में ही कनेक्ट करते हैं। सो जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये इसी पर्पज के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है। ओके, जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर दिया जाता है। तो आप जब भी कोई जीनर डायोड देखेंगे तो उसकी वोल्टेज रेटिंग होती है कि ये इतनी वोल्ट से या इतने वोल्ट इसका ब्रेकडाउन है। सपोज कोई जीनर डायोड है, इसका ब्रेकडाउन 3 वोल्ट है, कोई जीनर डायोड है, इसका ब्रेकडाउन 20 वोल्ट है। तो ये सब जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डिसाइड किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। अब अगर हम जीनर डायोड के सिंबल की बात करें तो जीनर डायोड का सिंबल बिल्कुल सिंपल है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन का सिंबल। क्लियर, पीएन, बट यहाँ पे आपको सिंपल एन को थोड़ा सा बेंड कर देना है और आप इसको सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जेड कुछ जो शेप है वो बेंड है, और आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं कि ये एक जेड का शेप बना हुआ है। तो ये आपका जीनर डायोड का सिंबल हो गया। ओके, तो अभी तक हमने जो चीज समझी वो हमने ये समझा कि जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है, रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है, इसका डोपिंग लेवल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी डिप्लीशन विड्थ कम होती है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर इसके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है या जो भी पीछे से इनपुट आ रहा है, अगर उसकी वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तब ये करंट को अपने थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले अगर इसके इनपुट पे वैल्यू कम आ रही है तब इसका कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा करंट लोड पे पास करेगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू इसके अक्रॉस ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी ये करंट को अपने थ्रू पास करेगा ताकि लोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो देखिए जैसे आपने क्या किया, एक जीनर डायोड आप बना रहे हैं, आपने डोपिंग का लेवल ज़्यादा कर दिया, तो डेफिनेटली जब आप डोपिंग का लेवल ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर, अब आपने क्या किया, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया, और वोल्टेज कैसा अप्लाई करना है, रिवर्स बायस, मतलब पी किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। क्लियर, तो देखिए इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं नॉर्मल डायोड से। अगर मैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो जब आप उसके अक्रॉस रिवर्स बायस में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी। तो ये डिप्लीशन विड्थ जो है आपकी ये इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग का लेवल है वो क्या होता है, नॉर्मल यानी कि जीनर डायोड से कम होता है। तो क्या होगा रिवर्स बायस में, अगर हम रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है कि जैसे हम स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, और एक लेवल आता है जब सडनली आपका करंट इंस्टेंटेनसली इंक्रीज कर जाता है, और अगर आप फर्दर इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका जो डायोड है, नॉर्मल डायोड है, वो डैमेज हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जब आपने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, ओके, तो क्या होगा, इस रिवर्स बायस वोल्टेज से एनर्जी मिलेगी
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उस एनर्जी से आगे को मूव करेंगे। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप मटेरियल है, तो डेफिनेटली यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी मिली, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे मूव करेगा और वो इस डिप्लीशन रीजन में जाएगा, यहाँ इसको सिलिकॉन पेरेंट एटम मिलेगा, ये उसके साथ स्ट्राइक करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और दूसरे एटम को उसके पेरेंट एटम से, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके पेरेंट एटम से बाहर निकालेगा, तो और फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू दिस कॉलिजन। ओके, एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। क्या किया आपने? रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, तो यानी कि आपने पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। डेफिनेटली आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, वो एक्सटर्नल एनर्जी पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के पास गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी। वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेके आगे बढ़े, क्योंकि वो फ्री हैं, वो आगे बढ़े, उन्होंने दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड किया जो कि डिप्लीशन रीजन में थे, और कोलिजन के बाद उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। मीन सपोज अगर आपके पास ये सिलिकन एटम है, ओके, सो ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, तो क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, वो यहाँ स्ट्राइक किया, तो उसने क्या किया, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था इसकी बॉन्डिंग हो रखी थी, इसको एनर्जी दी, अब इसके पास एनर्जी आई तो ये बाहर भाग जाएगा। सपोज यहाँ कोई दूसरा सिलिकन एटम है, ये इसके साथ स्ट्राइक किया, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, तो कंटिन्यूस कोलिजन हो रहा है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। तो क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन में, इस एरिया में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जो उनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमें मालूम है कि जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे वहाँ पे करंट का फ्लो होगा। तो एक टाइम ऐसा आता है या एक पोटेंशियल जो आपने अप्लाई कर रखा है उसकी रेंज, उसकी वैल्यू, जब आपका वो पोटेंशियल, जब आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और ड्यू टू कोलिजन वो इतनी संख्या में हो जाएं कि वो एट रैंडम एक लार्ज करंट फ्लो कर दें, ओके, तो ये जो करंट है वो इसी वजह से आपको मिलता है। तो एकदम से आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन, एंड दे आर जनरेटेड बाय द कोलिजन। ओके, तो यही चीज यहां पे लिखी गई है, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ लिखे गए हैं वो यही बताते हैं कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई स्पीड विल कोलाइड विद द एटम्स एंड नॉक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन एक्सेलेरेटेड एंड कोलाइड विद अदर एटम्स, तो वो दूसरे एटम्स के साथ टकराते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस कोलिजन। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और उनके फ्लो से आपको एक करेंट मिल गया। तो ये नॉर्मल डायोड की कहानी है। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड में क्या है, जीनर डायोड में डोपिंग का लेवल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अगर डोपिंग का लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी डिप्लीशन विथ क्या होगी, स्मॉल, यानी ये जो विथ है ये कम होगी। अगर ये कम होगी तो क्या होगा, आगे देखते हैं फिगर में। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ आपकी जो स्पेस चार्ज विथ है वो वैल्यू, वो W कम है, तो वो W अगर कम है, आपने क्या किया, पहली चीज तो आपने एक नॉर्मल पीएन डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, क्लियर, डिप्लीशन विथ कम हो गई, देन आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया रिवर्स बायस, यानी P को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, N को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब क्या होगा, पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लीशन विद W है, तो यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्लियर। अब वही चीज होगी जो नॉर्मल पीएन जंक्शन में हो रही थी, क्या हो रहा था, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी टाइप में, उनको यहां से एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, वो आगे मूव करेंगे, आगे जाके
इस डिप्लीशन रीजन में एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे और सडन करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से मूव गई है, जिन्होंने आगे मूवमेंट किया, उनका जो ड्यूरेशन है यहाँ रहने का, वो ड्यूरेशन अब बहुत कम हो गया। देखिए, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखिए तो उनको यहाँ इतना टाइम मिल रहा है कि वो आराम से दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जा रहा है। तो सडनली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं इस डिप्लीशन विथ से। क्लियर, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करता हूं, आपने क्या किया यहां पे, डोपिंग लेवल इंक्रीज किया जिसकी वजह से डिप्लीशन विथ कम हो गई। क्लियर, जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया या जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इन्होंने आगे मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि अब यहाँ पे टाइम नहीं है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, विथ बहुत कम है, तो वो बहुत थोड़े से ही टाइम के लिए इस रीजन में रह पाएंगे और उनके पास एनर्जी है, वो आगे मूव कर जाएंगे। क्लियर, तो वो आगे मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है इन केस ऑफ जीनर डायोड, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोलिजन करने का ज़्यादा टाइम नहीं था, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो जब अगर इन्होंने कोलाइड नहीं किया या इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं किए, तो कैसे करंट फ्लो हुआ, आप देखेंगे जो आप जीनर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो वहाँ भी क्या होता है, नॉर्मल तो ये फॉरवर्ड की तरह काम करेगा, यहाँ पे ये करंट नीचे जाएगा और इसको आप बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर आप इसको वी जेड भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये सडन करंट कहाँ से आया, तो ये सडन करंट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप सिंपल कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, आपने जो पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया, ये जो डिप्लीशन विथ है इसकी वैल्यू कम है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर डब्ल्यू की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में क्रिएट हो रहा है, अगर हम इस रीजन को थोड़ा सा और क्लियर बनाएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में क्रिएट हो रहा है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशियंट होता है इस रीजन के एटम्स को एनर्जी देने के लिए और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। तो एक बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, और वो जब ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे। तो जो डिफरेंस है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में और एक जीनर डायोड में, वो ये है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में इस पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, करंट फ्लो होता है, और जब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा, तो डेफिनेटली हीट जनरेट होगी। तो एक टाइम ऐसा आता है, एक पोटेंशियल ऐसा आता है जिसके बाद ये डायोड बस्ट हो जाता है। लेकिन जीनर डायोड के केस में यहाँ पे हीट जनरेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जीनर डायोड बस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स को रुकने का टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा, वो ज़्यादा रुके नहीं तो वो कोलाइड नहीं हुए, कोलाइड नहीं हुए तो उन्होंने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं करे। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो यहाँ पे V by W से क्रिएट हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इन चार्ज कैरियर्स को, जैसे ही ये चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, तो यही सब चीज़ यहाँ लिखी है। व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाई टू डायोड reaches close to zener voltage, the electric field in the depletion region is strong enough to pull electrons from their valence band. The valence electrons which gain sufficient energy from the strong electric field of depletion region will break bonding with the parent atom and become free electron. तो वो electrons जो ये energy लेते हैं electric field,
तो जिनके पास सफिशियंट एनर्जी होती है वो अपने पेरेंट एटम से ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बाद आपका करंट फ्लो करता है। अब जीनर ब्रेकडाउन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस पोटेंशियल को कम करेंगे, जो भी आपने अप्लाई कर रखा है पोटेंशियल, अगर आप उसकी वैल्यू को कम करेंगे, वी को डिक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ जो फ्री जो एटम्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे थे उनकी वैल्यू कम होगी, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कंट्रोल होंगे और जो करंट फ्लो कर रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक दूसरी चीज देखिए, इसको थोड़ा सा और ग्राफ को छोटा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जब आप इसको ऐसे बनाते हैं, आप कहते हैं कि ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो देखिए, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू है, और अगर थोड़ा सा और नीचे जाएं हम तो यहाँ पे सडनली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गैप है ये करंट का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोल्टेज का गैप क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार जीनर डायोड ने अपना ब्रेकडाउन क्रॉस कर लिया, अगर उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उस पे, अगर उस पॉइंट पे या उस पॉइंट से आगे उसने अगर क्रॉस कर लिया, तो वो मैक्सिमम करंट सिंक कर सकता है। क्लियर, विदाउट चेंज इन वोल्टेज। तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन करंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो यही वो एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो मैंने आपसे कहा कि अगर डायोड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज, जो भी आप सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं, अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जो भी वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कितना भी चेंज हो जाए, सपोज आपने कुछ रेंज अप्लाई कर रखी है 6 to 15 volt, तो ये 6 से 15 volt के बीच में चेंज हो सकता है, तो वो कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन जीनर डायोड के अक्रॉस ब्रेकडाउन के बाद वो मैक्सिमम करंट ले सकता है। तो वो सारा का सारा करंट अपने अक्रॉस ले लेगा डायोड, और लोड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, जो जिसकी बात हम अभी बहुत देर से कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप ये आपका देखिए, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये करंट है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर गया। तो यहाँ देखिए, ये अगर आप वोल्टेज में चेंज देखें तो बहुत कम वोल्टेज में चेंज हो रहा है और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। क्लियर, तो देखिए रिवर्स बायस कंडीशन में ही इसको ड्रॉ किया गया है, फॉरवर्ड बायस में हम जीनर डायोड की जगह नॉर्मल डायोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम जीनर डायोड के एप्लीकेशन की बात करें, या अगर हम जीनर डायोड के एडवांटेजेस देखें, तो हाईली एक्यूरेट, स्मॉल साइज, लो कॉस्ट, पावर डिसिपेशन कैपेसिटी इज वेरी हाई, तो ये सब जीनर डायोड के एडवांटेज हैं। जनरली हम रेगुलेटर की तरह ही जीनर डायोड को यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इनके एप्लीकेशंस हैं, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेफरेंस, इट इज यूज्ड एज शंट रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, स्विचिंग ऑपरेशन में जीनर डायोड यूज होता है, प्रोटेक्शन जहां हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारा का सारा करंट खुद ले लेगा अपने अक्रॉस, तो उस कंडीशन में वहां जो एप्लीकेशंस हैं वहां हम जीनर डायोड को यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। जैसा कि हमने एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ा कि हम इसको प्रोटेक्शन सर्किट की तरह यूज़ करते हैं, रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज आपके पास कोई एक सोर्स है, वेरिएबल सोर्स है, और वो कैसे वेरी कर रहा है, वो आपको 1 volt से 6 volt तक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसकी जो सप्लाई वोल्टेज है डीसी वोल्ट जो है वो चेंज हो रही है 1 volt से 6 volt। ओके, आपने उसको अप्लाई कर रखा है, एक लोड है जो कि आपका क्या है, एक लाइट इमिटिंग डायोड, एक एलईडी है जो 3 volt पे काम करती है, तो यानी कि इस एलईडी को वर्क करने के लिए 3 volt चाहिए। ओके, अगर इसके पास 3 volt से ज़्यादा आएगा
डेफिनेटली अगर किसी भी कंपोनेंट में आप उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या उसके अक्रॉस ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा। तो अगर इस एलईडी के अक्रॉस 3 बोल्ट से ज़्यादा, 4 बोल्ट 5 बोल्ट अगर सप्लाई आती है तो ये खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें या हम इसे क्या कर सकते हैं कि या जीनर डायोड को हमें यहाँ अप्लाई करना है बेसिकली, तो हम क्या करें, जीनर डायोड को कैसे अप्लाई करें। ओके तो वही देखते हैं, देखिए क्या कैसे काम करता है। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं जीनर डायोड का वी आई करेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायस, और हम एक जीनर डायोड ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही फिक्स हो जाता है, तो हमने यहाँ पे एक जीनर डायोड लिया जिसका कि ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन कितना है, 3 वोल्ट है, जो कि इस लोड के अक्रॉस है, ये हम मान लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ ये जो वैल्यू है आपकी ब्रेकडाउन की, दैट इज योअर 3 वोल्ट। ओके सो दिस इज योर आई, दिस इज योर वी। अब ये कर्व हमने पढ़ा है कि क्या होगा कि इस रेंज से 0 से लेके 3 वोल्ट तक तो करंट की वैल्यू बहुत ही मिनिमम है, लेकिन जैसे ही ये इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करेगा एंड 3 वोल्ट को क्रॉस करेगा, फिर इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए क्या है, अब जीनर डायोड कैसे अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली रिवर्स बायस में। तो हमने क्या किया, जीनर डायोड को अप्लाई किया रिवर्स बायस में, पैरेलल में अप्लाई कर दिया। ओके सो प्लस से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अब क्या होगा, जब भी इस सोर्स से वोल्टेज मूव करेगी, करंट फ्लो करेगा आर के अक्रॉस, तो जब तक देखिए दो करंट जाएंगे, एक करंट आई एल होगा और एक करंट आपका आई जेड होगा। तो जब तक आपके जीनर के अक्रॉस वोल्टेज, जो भी सप्लाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज 3 वोल्ट से कम रहेगी, यानी देखिए 0 से 3 के बीच में कहीं पर अगर वोल्टेज है आपका इसके अक्रॉस, तो उस जीनर डायोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम, मिनिमम, यानी कि आई जेड की वैल्यू नेग्लिजिबल है, और सारा का सारा करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, सोर्स के, लोड के थ्रू, सॉरी, यानी कि आई एल की वैल्यू मैक्सिमम है। ओके अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इस सोर्स से वोल्टेज 3 वोल्ट को क्रॉस करेगी, अगर वोल्टेज आपकी 3 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, जीनर का ब्रेकडाउन पॉइंट है 3 वोल्ट, तो जैसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्रॉस करेगी 3 से, यानी अगर हम कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो लेस देन 3 वोल्ट है, और दूसरी कंडीशन है हमारी अगर हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 3 वोल्ट है। तो अभी मैंने पहली कंडीशन की बात करी, तो जब वो 3 वोल्ट से कम है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीनर डायोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू कम होगी और सारा का सारा करंट लोड के थ्रू पास होगा, एलईडी आपकी प्रॉपरली ग्लो होगी। लेकिन जैसे ही वो वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देखिए जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। ब्रेकडाउन की बात क्या होता है, जीनर में क्या होगा, सडन करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो सारा का सारा करंट अब किसके थ्रू फ्लो करेगा, आई जेड के थ्रू। ओके और देखिए क्या हो रहा है, अब आप वोल्टेज जो भी चेंज हो रहा है वो 5 हो चाहे 6 हो, लेकिन क्या होगा, उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये जो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है अभी किस पे फिक्स हो जाएगा, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, और वो कितना है, 3 वोल्ट। तो यानी कि अब ये पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस है, जो फिक्स है 3 वोल्ट, अब वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई होगा एलईडी पे, यानी कि अब सारा का सारा मैक्सिमम करंट जो है वो जीनर डायोड के अक्रॉस फ्लो करेगा और ये एलईडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वे में कि जीनर डायोड पालनहार है ऐसे सर्किट्स का, ऐसे कंपोनेंट्स का, जहां पे अगर नॉर्मल वोल्टेज आ रही है या नॉर्मल सप्लाई आ रही है तो वो प्रॉपरली काम करेंगे, लेकिन जैसे ही बर्डन आ गया या जैसे ही बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा लोड वोल्टेज आ गया, तो वो सारा का सारा करंट अपने अक्रॉस फ्लो करा लेगा और उस लोड को बचा लेगा, यानी वो लोड डैमेज नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन था जीनर डायोड का। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जीनर डायोड क्या होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से हमने उसे कंपेयर किया, क्या क्या चेंजेस थे ये हमने पढ़े, और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ एक सिंपल एग्जांपल हमने ये समझने की कोशिश करी
कि इन एक्चुअल जीनर डायोड को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली फर्स्ट ईयर में कई बार के ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते ही हैं कि जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।